कितने क्वेश्चंस हो गए थे कल बताना मुझे एक बार चैट बॉक्स में। कठिन ओके अच्छा तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था कि भाई अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तब क्या होगा, ठीक है, और उसके लिए एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालोगे, एक तो ये पढ़ लिया था। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा जीरो होगा, ठीक है, तो वो डेल्टा आपको याद रखना है एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है, अगर वो डेल्टा जीरो नहीं होगा तो एंगल बिटवीन द लाइंस ना, माइक ऑफ रखें बेटा। एंगल बिटवीन द लाइंस जो है वो सेम रहता है, टाइम थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच के माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पार्शियल डेरिवेटिव से निकाल लिया था। एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगाते हैं तो उससे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाती है। फिर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना भी सिखा देता हूँ, उसको दो लाइंस में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, ये करो खुद से करना है क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड पैरेलल टू द लाइंस 2y - 2=0। Find the combined equation of straight line passing through the point 1,1 and parallel to the lines represented by the equation x²-5xy + 4y² + x + 2y - 2=0। बताओ भाई करके बताओ, आंसर बताओ इसका।
जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। हाँ उमंग का सही है। चलिए मैं बता रहा हूँ, तो क्या करना है देखो, आपको ये पता है कि पासिंग थ्रू पॉइंट वन पैरेलल टू द लाइंस, पैरेलल टू द लाइंस कहने का मतलब जो इन इन लाइंस की स्लोप होगी वही उन दो लाइंस की स्लोप होगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स के माइनस फाइव एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर से वो दो स्लोप निकल जाएंगे हमारे पास, क्योंकि डिग्री टू वाला जो पार्ट होता है ये लाइंस की स्लोप को डिसाइड करता है। दिस इज इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने, एक्स के माइनस फाइव एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो करके अब इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, एक्स के माइनस एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस फोर वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, आ जाएगा एक्स माइनस फोर वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो स्लोप आ गई, एक आगे वन बाय फोर और एक आगे वन, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कहाँ से पास कर रही है, वन कॉमा वन से पास कर रही है, तो लाइन को लिख लेते हैं एक्स माइनस फोर वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। वन कॉमा वन से पास कर रही है तो वन माइनस फोर प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, तो सी वन की वैल्यू थ्री आ गई। वन माइनस वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, सी टू की वैल्यू जीरो आ गई। तो हमारी दो लाइन्स क्या बन जाएंगी, एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये कंबाइंड इक्वेशन हो गई, अगर इंडिविजुअल इक्वेशन पूछता तो वो जाती है एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। आगे बात समझ आ गई सबको ये, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करना है हमें, ठीक है। तो ये अब हमने बेसिक थ्योरी जो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक की लाइन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके बारे में आपको बताई। तो अब हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक विच इज होमोजेनाइजेशन। अच्छा अब इसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो होमोजेनाइजेशन करने का मतलब होता है कि हम थ्रू आउट डिग्री सेम करते हैं। होमोजेनाइजेशन का करने का मतलब है कि थ्रू आउट डिग्री सेम करना, थ्रू आउट इन एन एक्सप्रेशन वी मेक द डिग्री सेम। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में डिग्री को थ्रू आउट सेम कर रहे हैं, जैसे अभी तो हम डिग्री टू वाली इक्वेशन ही पढ़ेंगे, तो पूरी इक्वेशन की डिग्री को अगर टू कर देते हैं तो उसको बोला जाता है होमोजेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान से समझना क्या कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो हमारे पास एक कोनिक है, जैसे ये कोई कोनिक, मैंने कोई भी कर्व बना दी, वो पेयर ऑफ जनरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, मतलब मान लो सर्कल होगा या पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला होगा। तो इसकी इक्वेशन हमने मान ली जीईसी जो हमारी होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो मेरी कोनिक की इक्वेशन है, ठीक है। और अब एक लाइन है जो इसको कट कर रही है p और q के ऊपर, तो ये लाइन मान लेते हैं
एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम इक्वल टू जीरो। तो ये इस कोने को कट किस किस पे कट कर रही है, पी और क्यू के ऊपर कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी, ये इस कोने को पी और क्यू पे कट कर रही है। और अब देखना अब क्या बनेगा इसमें। तो होमोजेनाइज कैसे करना है, तो पहला क्वेश्चन आता है होमोजेनाइज कैसे करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि होमोजेनाइज करने पर हमें मिलेगा क्या। तो ये दो चीजें यहाँ पे आंसर होंगी कि होमोजेनाइज करना कैसे है और होमोजेनाइज करने के बाद हमें क्या अचीव होने वाला है, ठीक है। तो वो अभी मैं डायग्राम कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं होमोजेनाइज कर रहा हूँ। होमोजेनाइज हम कैसे करते हैं, जो ये वाली क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इस टर्म की तो डिग्री टू है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आने, ठीक है। अब टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई जो है, इसमें वेरिएबल एक्स और वाई, इसकी डिग्री वन है, इसको वन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो जो वन वाली मैं टर्म लिखूंगा, वो टर्म क्या होगी, वो डिग्री की भी उसकी वन होगी और उसकी वैल्यू भी वन होगी। अब सी जो है ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब वो वन जो टर्म होगी वो डिग्री वन वाली टर्म भी होगी और उसकी वैल्यू भी वन होगी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये जो वन है, ये वन कहाँ से आता है, वो इस इक्वेशन से आता है, क्योंकि यही तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन, मेरे पास आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई माइनस एन इज इक्वल टू वन, एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाई माइनस एन इज इक्वल टू वन लिख दिया हमने। ठीक है, मैंने क्या किया, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस एन लिखा, फिर माइनस एन से डिवाइड कर दिया। अब ये जो टर्म है, इसकी डिग्री भी वन है और वैल्यू भी वन है, जो भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा उसके लिए इसकी डिग्री भी वन है इस टर्म की और वैल्यू भी वन है। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, तो बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इंटू वन की जगह आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस सी टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इतने समझ आ गया, जब आप इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, अब फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आई, वाई स्क्वायर वाली टर्म आई, एक्स वाई वाली टर्म आई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म आई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर वाली टर्म आई, फिर एक्स वाई वाली टर्म आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाली टर्म आएगी। हमने क्या किया, ये जो डिग्री टू टर्म है इसको थ्रू आउट डिग्री टू बनाना है। अब यहाँ डिग्री टू है, यहाँ पे डिग्री वन है और इसको डिग्री वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिग्री जीरो है तो इसको डिग्री वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री टू बन जाएगा ना। और वो वन किसकी हेल्प से लिख रहा हूँ, मैं लाइन की हेल्प से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइन की हेल्प से इसको होमोजेनाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे को थ्रू आउट डिग्री सेम करनी थी ना, होमोजेनाइजेशन का मतलब ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस एन लिखा, माइनस एन से डिवाइड कर देंगे तो एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन किसके बराबर हो गया, वन के बराबर हो गया। अब इस वन का ये फायदा है कि ये जो टर्म है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी वैल्यू भी वन है और इसकी डिग्री भी वन है, ठीक है। तो 2gx plus 2fy into lx plus my divided by minus n लिख दिया, plus c into lx plus my divided by minus n का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो थ्रू आउट डिग्री टू वाली टर्म है, इसमें कौन कौन सी टर्म आ रही है, x square आया, xy आया, y square आया, x into x क्या आएगा, x square आएगा, y into y क्या आएगा, y square वाली टर्म आएगी, बाकी एक्स वाई वाली टर्म आएगी। इसको ओपन अप करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाली टर्म आएगी, तो इसे जब हम फाइनली सिंपलीफाई करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर मैं एक कर्व को एक लाइन से होमोजेनाइज कर रहा हूँ तो मेरे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, डिग्री टू होमोजेनाइज इक्वेशन है ना, तो भी तो करना चाह रहे और ये क्या रिप्रेजेंट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा, बस एक केस ऐसा होगा जिसमें पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा।
तो अगर आप ध्यान से देखो, ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप सोच के देखो इस डायग्राम में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो हमारे पास क्या होगा, मान लो यहाँ कहीं ओरिजिन है, तो ये जो अपने पास फाइनल इक्वेशन आया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, OP into OQ is equal to 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, which is OP equal to 0 and OQ is equal to 0। अब ये आपको समझ आया ये OP into OQ equal to 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बार बताओ, एक बार किसी को अगर ये समझ आया हो कि जैसे मैंने इस लाइन में इसको पुट कर दिया, थ्रू आउट डिग्री सेम कर दिया हमने, तो उससे फिर ये OP into OQ equal to 0 कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं, ये तो जैसे मतलब क्वेश्चन तो यही है ना कि OP into OQ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अभी तक सही नहीं है किसी का भी। देखो आपने इस लाइन से इसको होमोजेनाइज कर दिया, मतलब थ्रू डिग्री सेम कर दी, तो OP into OQ कैसे आया? देखो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे ना, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, LX plus MY plus N equal to 0 को। ठीक है, तो मान लो आपने Q के कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा, आपने अल्फा बीटा पुट किया, तो इसमें अल्फा बीटा पुट करोगे तो क्या आएगा, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन इक्वल टू जीरो, तो उस पर ये वन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो इसमें इस लाइन में ये वाली जो हमने टर्म लिखी हुई है, इसमें अल्फा बीटा पुट करोगे तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। तो और अल्फा बीटा इस कर्व के भी ऊपर आ रहा है, एक्स के प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स, तो इसमें जब पुट करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब अल्फा बीटा तो इस पूरी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पी इज सेटिस्फाइंग दिस एक्सप्रेशन। पी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा मान लो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमने मान लो टी ले लिया, और इसको मैं मान लेता हूँ एम कॉमा एन, एम कॉमा एन नहीं मानते वो ऑलरेडी है, इसको से कुछ और मान लेते हैं, अल्फा अल्फा वन कॉमा बीटा वन मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अल्फा वन बीटा वन जो है उस पर ये लाइन तो वन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, तो ये तो वन हो जाएगा, ये भी आपका वन हो जाएगा, बट अल्फा वन बीटा वन इस कर्व पे आ ही नहीं रहा, तो उसको जीरो नहीं करेगा, तो मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, अल्फा वन बीटा वन। ठीक है, तो टी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? पी कर रहा है, क्यू कर रहा है, और एक ओरिजिन करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले तीन ही पॉइंट है हमारे पास, पी क्यू और एंड ओ। अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो किन पॉइंट से पास करेगी, पी क्यू और ओ से पास करेगी, तो वो देखने भी समझ आ रहा है, दो ही लाइन होंगी ओपी और ओक्यू, ओरिजिन से पास करना नेसेसरी है ना। आप बोलोगे पी क्यू वाली लाइन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो तो ओरिजिन से पास ही नहीं कर रही। सबको बात समझ आ गई? इसीलिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप कभी भी किसी भी कर्व को एक लाइन से होमोजेनाइज कर देते हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व। ठीक है, तो होमोजेनाइज करने पर क्या होता है, इफ अ कर्व इज बेसिकली जीईसी is homogenized with a line
then the resultant equation will represent pair of straight lines passing through origin and point of intersection of lines with curve. If a curve is homogenized with a line, then the resultant equation, जो भी resultant equation आएगी, वो क्या represent करेगी? वो lines passing through origin and point of intersection of line and the curve represent करेगा. अभी सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? कुछ problem है तो बताओ मुझे. वो क्लियर हो गया? ठीक है. अब इसके क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, हमारे 14 हो गए. क्वेश्चन करके आपको और क्लियर हो जाएगा. इफ द स्ट्रेट लाइंस joining the origin to the point of intersection of straight line hx plus ky is equal to 2hk and curve x minus k whole square plus y minus h whole square is equal to c square are perpendicular to each other then value of h square plus k square by c square. करो भाई ट्राई करो इसको.
है किसी का आंसर? देखो मैं बता दूं, इफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व. तो हमारे पास ना एक कर्व है, ये सर्कल की क्वेश्चन है बेसिकली. तो एक कर्व है हमारे पास, ठीक है, x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस h y माइनस h का होल स्क्वायर और एक स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे कट कर रही है, ठीक है. तो ये हो गई एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 2hk, ठीक है. तो अब ये क्या होगा कि जहां पे ओरिजिन आ रहा होगा, मान लो यहाँ कहीं ओरिजिन आ रहा है, ठीक है, उस पर क्या कर रही है, परपेंडिकुलर डाल रही है. तो आपको जैसे ऐसे समझ आए ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम बने कि भाई ओरिजिन से दो लाइंस पास कर रहे हैं, ओरिजिन से दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है. तो आपको होमोजेनाइज करना है. होमोजेनाइज करने का मतलब क्या है, डिग्री आपको थ्रू आउट सेम करनी है, समझ गए. तो आप इसको ओपन अप कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस के स्क्वायर y square minus 2hy plus h square minus c square equal to 0. तो अब हमारे पास आ जाएगा x square plus y square minus 2kx minus 2hy plus h square plus k square minus c square equal to 0. ठीक है, अब क्या है, ये वाली लाइन से होमोजेनाइज करना है. तो इस लाइन से होमोजेनाइज करने का मतलब क्या होता है, इसको वन बनाएंगे हम. तो वन कैसे बनेगा, एच एक्स प्लस के वाई डिवाइडेड बाई टू एच के इक्वल टू वन. तो अब जहां जहां पे डिग्री वन है उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे डिग्री जीरो है उसको वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या क्वेश्चन बन जाएगी, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू के प्लस टू एच, अच्छा सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते इसको, माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ के एक्स प्लस एच वाई, ठीक है, इंटू वन करेंगे. तो वन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एच एक्स प्लस के वाई डिवाइडेड बाई टू एच के, ठीक है, प्लस यहाँ पे एच के प्लस के स्केयर माइनस सी स्केयर इंटू एच एक्स प्लस के वाई डिवाइडेड बाई टू एच के का होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो. इतना समझ आ गया, ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारे पास होमोजेनाइज कर दिया. अब हमें क्या करना है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. वो दो लाइंस कौन कौन सी होंगी, ओपी इंटू ओक्यू. अब ये ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू है, तो इसकी क्या कंडीशन होती थी, अगर आपको याद हो, टैन थीटा होता है टू अंडर रूट एच के माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन थी, ठीक है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो, यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, प्लस यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -2kh डिवाइडेड बाय 2hk, ठीक है, प्लस यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है hk plus k square minus c square टाइम्स ऑफ x का कोफिशिएंट है 1/2k, तो 1/2k का होल स्क्वायर, ठीक है. अब कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर देखते हैं, यहां पे आ गया 1 माइनस यहां पे कितना आ जाएगा -2hk बाय 2hk, ठीक है, प्लस y का कोफिशिएंट यहां पे कितना आ जाएगा hk plus k square minus c square into 1/2h का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो ये तो 1 और 1 कैंसिल हो जा रहे हैं, ये भी कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ रहा है, hk plus k square minus c square into 1/4h square plus 1/4k square इक्वल टू 0. ये तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, इन दोनों का सम 0, मुश्किल है. इसलिए कंडीशन क्या आ जाएगी, hk plus k square इक्वल टू c square, हमें ये वैल्यू पूछी है उसने, एच के बाई के एस के बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो इस प्रॉब्लम का आंसर 1 आ जाएगा. अब बताओ भाई, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा, तो अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो सब लोग. तो क्या किया हमने, होमोजेनाइज किया, फिर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, वो हमें लाइंस परपेंडिकुलर चाहिए. तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा.
ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। Find the angle between the line. Joining the origin. To the point of intersection of. Straight line. Y is equal to 3x plus 2. With the curve square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 is equal to 0. तो एक बार ट्राई करो इसको। सेम वैसे क्वेश्चन है, होमोजेनाइज करोगे फिर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिर उनके बीच का एंगल आ जाएगा। किसी अभी नहीं आंसर अभी तक।
देखो मैं बताता हूँ, पता नहीं आपसे क्यों नहीं हो रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले वन बनाओ, तो y माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टू हो गया, तो y माइनस थ्री एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन हो गया। होमोजेनाइजेशन का मतलब समझ आता है, डिग्री सेम करनी है थ्रू आउट। तो देखो इसकी तो डिग्री टू है, तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस ये फोर एक्स प्लस एट वाई है, इसकी डिग्री वन है, तो इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस थ्री एक्स बाई टू आ गया। माइनस इलेवन इंटू इसको वन के होल स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स बाई टू का होल स्केयर आ गया। ये करना है आपको पहला काम, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब कोफिशियंट अलग अलग कर दो, एक्स स्केयर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्केयर, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ये पहले तो इसको ये टू से कैंसिल अगर हम करेंगे, टू से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टू एक्स प्लस फोर वाई, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, टू एक्स इंटू माइनस थ्री एक्स कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्केयर प्लस टू एक्स वाई माइनस ट्वेल्व एक्स वाई, तो माइनस टेन एक्स वाई, ठीक है, प्लस फोर वाई स्क्वायर। ये टर्म आ गई, ये वाली टर्म को अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बाय फोर आ रहा है ना, तो माइनस इलेवन बाय फोर टाइम्स ऑफ ये बन रहा है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, माइनस नाइनटी नाइन बाय फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 33 by 2x by 66 by 4 हो गया ना, तो 33 by 2xy आ गया, फिर minus 11 by 4y square is equal to 0। तो देख रहे हो, ये तीन टर्म आएंगे, एक x के वाली टर्म आएगी, एक xy वाली टर्म आएगी और एक y के वाली टर्म आएगी, ठीक है जी। अब इसका LCM लेते हैं, LCM लेने पे क्या टर्म बनेगी, देखो minus 6 plus 1 is minus 5, माइनस फाइव और माइनस नाइनटी नाइन बाय फोर, तो माइनस ट्वेंटी, तो माइनस वन वन नाइन बाय फोर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो ये माइनस एट हो जा रहा है, माइनस एट तो थर्टी थ्री माइनस सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन बाय टू एक्स वाई आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, सेवन, और ये बन जाएगा सेवन माइनस इलेवन बाय फोर, 28 माइनस 11 बाय 4 तो 17 बाय 4, तो 17 बाय 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 17 7 का होता है, तो माइनस 7 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ले लेते हैं 7x² minus 2xy minus y² is equal to 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0 से, तो a हमारे पास 7 आ जाएगा, h मेरे पास minus 1 आ जाएगा, b मेरे पास minus 1 आ जाएगा, तो tan theta किसके बराबर आ जाएगा, 2 under root of h² minus ab upon a plus b, ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है, 2 by 3 तो ये आ रहा है 2 root 2 by 3, तो आपका जो theta आएगा, जो एंगल बिटवीन द लाइंस आएगा, वो आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाय 3। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, अगर सब क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो। पार्ट समझाना, लास्ट वाला पार्ट, इसमें ये हमने ऐड कर लिया, ये क्वेश्चन आ गई, तो ये एक्स के प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दिया। अब ये जो दो लाइंस होती है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, तो टैन थीटा आ गया 2 रूट 2 बाय 3। तो फॉर्मूला देखना आप एंगल बिटवीन टू लाइंस का, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, the chord root 6 times of y of the curve subtends a right angle at the origin find value of p।
नहीं माइनस थ्री नहीं आएगा बेटा, नहीं ये भी आंसर सही, ये सही है, माइनस नाइन प्लस माइनस रूट 33 बाई 8, दिस इज द राइट आंसर, उमंग और अवनी का आ गया। ठीक है चलो मैं करता हूँ, द कॉर्ड दिस सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन, तो वही होमोजेनाइज करना है हमें। ठीक है तो पी वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, आप इसको लिख लो। ठीक है तो पी वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे इसको, 1 बना लेते ना, तो रूट 6y माइनस रूट 8 पी एक्स बाय रूट टू इज इक्वल टू 1 लिख लो, इसको रूट टू से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बन जाएगा रूट थ्री वाई माइनस टू पी एक्स इज इक्वल टू 1, समझ गया ना, क्योंकि रूट इक्वल है टू रूट टू, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट थ्री वाई माइनस टू पी एक्स प्लस 1 इंटू रूट थ्री वाई माइनस टू पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब वही कर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा पी वाई स्क्वायर माइनस 4 रूट थ्री एक्स वाई प्लस 8 पी एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 रूट 3 पी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास वाई एक्स के कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 8 पी प्लस 4 पी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आ रहा है p प्लस 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर। ठीक है तो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, अब ये दोनों बचे हैं माइनस 4 रूट 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है, ये दोनों लाइन्स हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये आ जाएगा 4 पी स्क्वायर प्लस 9 पी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए, तो p की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास
माइनस नाइन प्लस माइनस 81 माइनस 48 33 हो गए बाय 8, सो ये पी की वैल्यूज आ जाएंगी. दिस इज द आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता नहीं क्या क्यों नहीं कर पा रहे हो. जो लिखा है वही तो करना है, जो बताया गया है भाई. कर्व को होमोजेनाइज करना है लाइन से, तो जो डिग्री 2 है उसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है. डिग्री 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म को 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ द लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ए वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच वन एक्स वाई प्लस बी वन वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स इक्वल टू जीरो आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर and find value of g by g1 into a1 plus b1 by a plus b. करो भी ट्राई करो इसको भी. वैसे दिमाग लगाओ किस तरीके से करना है. Thank you.
देखो मैं बताता हूँ, किसी का आंसर होंगे और मान लो कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिन आ रहा होगा, तो एक ये लाइन बन रही होगी और एक ये लाइन बन रही होगी, और ये दोनों लाइन आपस में क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर चाहिए। तो डायग्राम मैंने एग्जैक्टली नहीं बनाया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि दो जैसे इलिप्स होते हैं वो चार पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हो ऐसे तो नहीं कि दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो चार पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब मेरा कंसर्न है कि ये जो दो कर्व हैं ये इंटरसेक्ट करके मुझे क्या करें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दें, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अब है क्या, देखो इसमें तो डिग्री टू और डिग्री वन वाली टर्म है, इसमें भी डिग्री टू और डिग्री वन वाली टर्म है, और कोई कर्व है ही नहीं, ये दोनों ही कर्व ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो डिग्री वन आप पहली से बना के इसकी डिग्री टू कर दो, होमोजेनाइज कर दो बस, किसी तरीके से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले से मैंने बनाया ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इसको तो लेके जाऊंगा तो माइनस टू जी एक्स हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दिया माइनस टू जी एक्स को, तो यहाँ पे वन आ गया। तो अब ये मैंने टर्म कैसी बना ली, ये डिग्री वन की एक टर्म बना ली जिसकी वैल्यू भी वन है। अब दूसरी वाली देखो, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच वन एक्स वाई प्लस बी वन वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या टर्म है मेरे पास, टू जी वन एक्स, इसको डिग्री वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू भी वन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वाले एक्स ये एक्स कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, टू से टू भी कैंसिल कर देते हैं, अब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब हमें यही तो करना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास क्या आ रहा है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए वन प्लस ए जी वन बाय माइनस जी, ठीक है, बी वन प्लस बी जी वन बाय माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। क्या कंडीशन बन जाएगी, ए वन प्लस बी वन, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स ऑफ जी वन बाई जी। तो निकालना क्या था हमें, g बाई जी वन इंटू, तो g बाई जी वन ये उधर लेके जाओ, g बाई जी वन इंटू ए वन प्लस बी वन अपॉन ए प्लस बी, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वन के बराबर आ रही है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन, ठीक है, सो आंसर इज वन। समझ आ गया, ऑल क्लियर करो। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, शो दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू जीरो which subtends a right angle at origin passes through a fixed point. Find the coordinates of the point. करो, ट्राई करो इसको।
जिसका नाम से आ रहा है बताओ। वन माइनस टू इज द राइट आंसर। तनिषा आपने थोड़ी गड़बड़ करी है। देखो क्या करेंगे, तो ये कोई कर्व है ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि मान लो इसमें बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, दे विल सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन ठीक है, तो ये राइट एंगल सबटेंड करेंगे, तो ये जो कॉर्ड है ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, मतलब ये ना बहुत सारी लाइंस होंगी ऐसे, वो हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करेंगी, तो ये कॉर्ड्स किस फिक्स पॉइंट से पास करेंगी वो हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो मान लेते हैं इसको ठीक है। तो अब क्या करेंगे, होमोजेनाइज कर देंगे इस कर्व के साथ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू एक्स लिख लेते हैं इसको ठीक है, माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो, प्लस फोर वाई माइनस टू एक्स इंटू वन करना है हमें, तो वन के लिए हम क्या करेंगे, एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई माइनस एन इज इक्वल टू वन, तो एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई माइनस एन इज इक्वल टू जीरो ठीक है। तो ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर वाई इंटू तो वाई का कोफिशियंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ये बन जाएगा फोर एल बाय माइनस एन टाइम्स ऑफ एक्स वाई ठीक है, ये आ जाएगा फोर एम बाय माइनस एन वाई स्क्वायर ठीक है, प्लस टू एल बाय एन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस टू एम एक्स वाई बाय एन प्लस में आ जाएगा वो क्योंकि नीचे माइनस है इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा ठीक है, तो ये आ जाएगा थ्री प्लस टू एल बाय एन माइनस वन माइनस फोर एम बाय एन इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन आ गई मेरे पास। तो मेरे पास आ जा रहा है एलसीएम लेंगे तो टू एन प्लस टू एल माइनस फोर एम इज इक्वल टू जीरो, देखो ये टू बन गया, टू एन प्लस टू एल माइनस फोर एम, तो एन प्लस एल इज इक्वल टू टू एम आ जा रहा है। अब हमारी लाइन क्या थी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन था, n की जगह लिख दो 2m minus l is equal to 0, तो l times of x minus 1 plus m times of y plus 2 is equal to 0। अब दो लाइंस आ गई l1 और l2, एक लाइन आ गई x is equal to 1, एक लाइन आ गई y is equal to minus 2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 comma minus 2। देखो फैमिली आ गई ना, l1 plus b l2 equal to 0 is a family of lines ठीक है, तो फिक्स पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 1 comma minus 2। क्लियर हो गया सबको, ये ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है, अब मेरे को अनाउंसमेंट्स करने हैं। एक मैंने सैटरडे के टेस्ट का सिलेबस चेंज किया है, तो सैटरडे टेस्ट का जो सिलेबस है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आएगा, स्ट्रेट लाइन भी आएगा और सर्कल भी आएगा, मतलब जितना सर्कल नहीं सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका नेक्स्ट चैप्टर सर्कल है, कोई बच्चा पूछ रहा था कल मेरे से, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है। तो कल की क्लास में हम हमारे मिसलिनियस क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके भी और इसके भी, तो कल वो करेंगे, उसके नेक्स्ट डे वाली क्लास जो होगी उसमें हो सकता है हम रिवीजन कर लें ठीक है। तो आपका सैटरडे को टेस्ट होगा, तो 3 सितंबर को आपका टेस्ट है, पोस्ट क्लियर है उसका, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पॉइंट वाला चैप्टर था जिसमें हमने सेंट्रोइड वगैरह सब निकाला था, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है। इसका पैटर्न वगैरह सब आज आपको या आज कल मैं आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा ठीक है। नेक्स्ट आज की हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास होती है वो 3 to 4 होती है, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ठीक है। तो आपके पास 12:30 पे आपकी क्लास ओवर होगी, हाँ 3 अक्टूबर सॉरी ठीक है। अच्छा तो आपकी क्लास ओवर होगी 12:30 पे, तो आपको लंच जल्दी कर लेना ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो 1 से 2 पहले क्लास अटेंड कर लेना फिर लंच कर लेना। तो 1 टू 2 पीएम हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी आज की, ये मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास है जिसमें हम त्रिकोण इक्वेशन को आज खत्म कर लेंगे, इसमें इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा मैं ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है तो अटेंड करना, तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए, और बाकी जो आपके डाउट्स वगैरह हैं वो प्लीज मुझे उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजें ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजें। कई बार मैं जैसे मतलब मेरे पास में ये लैपटॉप वगैरह नहीं होता, तो मेरे पास मॉड्यूल नहीं होता है, तो मैं मोबाइल से देख के फिर उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा
जिसके भी अगर पुराने डाउट्स भी हैं जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के, स्ट्रेट लाइन के, जो कवर अप नहीं हुआ है वो मुझे भेज सकता है। ठीक है, तो अब आप पूरा फोकस अपना टेस्ट पे लगा दो, कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन की क्लास कॉपी को अच्छे से पढ़ो, मॉड्यूल करो, बस दो ही चीजें करनी है, क्लास कॉपी और मॉड्यूल जो आपका पैकेज है उसी को करना है। ठीक है, क्लियर है, अनाउंसमेंट क्लियर है। सैटरडे टेस्ट का कोर्स चेंज किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और आज की क्लास आपकी 1 to 2 है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, हैव अ गुड डे बच्चों।